नाइट शो को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं ताकि मिल सके हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नाइट शो में आपको स्वागत है। हम सभी जानते हैं इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान एक दिन यह भौतिक शरीर छोड़ देता है। अब यह अलग बात है कि वह शरीर स्वेच्छा से छोड़ता है या अनिच्छा से। मान लीजिए आप लंबे समय से किसी किराए के मकान में रह रहे हैं। आपने उस मकान में अपनी पसंद की हर चीज़ें उपलब्ध की और एक दिन कोई अचानक से आकर आपको कहे कि मकान छोड़ना पड़ेगा, तब आपको कितना पीड़ा होगी। ठीक यही बात शरीर के विषय में है। जन्म से लेकर अब तक आपका इस शरीर के प्रति बहुत लगाव हो चुका होता है। ज़रा सोचिए, आप अच्छा खाते हैं किसके लिए, आप अच्छा पहनते हैं किसके लिए, आप सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न कार्य में लगे रहते हैं किसके लिए, निश्चित ही शरीर के लिए। जब इतना लगाव होते हुए तथा मरने की इच्छा न होते हुए भी शरीर छूट जाता है तो शरीर का यह मोह ही उसे प्रेत आत्मा बना देता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या है, यह आप जानते हैं। स्थूल शरीर का त्याग ही मृत्यु है, अर्थात त्यागने वाले का भी कोई अस्तित्व है। भूल गए आप मकान नहीं, मकान में रहने वाले हैं। वह त्यागने वाला ही आत्मा है। भौतिक शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा सक्षम शरीर में चली जाती है, जब तक कि उसे एक और नया शरीर नहीं मिल जाता। अब प्रश्न उठता है, नया शरीर मिलने तक आत्मा कहाँ रहती है, नया शरीर मिलने तक आत्मा कहाँ रहती है। जिस तरह भौतिक शरीर धारी आत्माओं के लिए भौतिक जगत है, ठीक उसी तरह सूक्ष्म शरीर धारी आत्माओं के लिए सूक्ष्म जगत है जो हमारे इस स्थल जगत से छुपा हुआ है। वहाँ रहने वाली सूक्ष्म शरीर धारी आत्माएँ प्रवेश की तरह चमकती है। आमतौर पर सूक्ष्म शरीर होते तथा अपने ही क्षेत्र में सीमित होने के कारण वह हमारे लिए अदृश्य बने रहते हैं। यही अदृश्य आत्माओं माया प्रेत आत्माएँ कहलाती है। जैसा कि हमने ऊपर की पंक्तियों में बताया है, शरीर और संसार से आसक्ति ही मनुष्य के प्रेत आत्मा बनने का कारण है। अब प्रश्न उठता है, क्या प्रेत आत्मा केवल बुरी होती है। जिस तरह भौतिक जगत में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसी तरह स्वच्छ जगत में भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार के प्रेत आत्माएं निवास करती है। सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं लोगों को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने के सहायक होती है, जबकि बुरी आत्माएं संसार के प्रति आसक्ति होने के कारण किसी कमजोर मन वाले शरीर को बस में करके अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करती है। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दृष्ट आत्माओं के पास कोई ऐसी विलक्षण शक्ति नहीं होती जिससे यह आपको नुकसान कर सके। यह केवल आपको डरा सकती है। इसलिए अधिकांश कमजोर मनोबल के व्यक्ति ही भूत प्रेतों से ग्रसित पाए जाते हैं। आपको यह कहानी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।